तो हेलो गाइस, ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु भौतिक विज्ञान जिसमें हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। तो मैंने पहले वीडियो में भागवान का रिव्यू कर चुके हैं, तो इस वीडियो में भाग टू का रिव्यू करूंगा। तो देखते हैं इस बुक को। देख लीजिए, भौतिक भाग टू कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली यानी NCERT पैटर्न है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज से हो चुका है। तो देख लीजिए, इसमें मूल्य 54 रुपये लिखा है। तो आप इस गवर्नमेंट बुक को आप 54 रुपये में भी प्राप्त कर पाएंगे। नो डिस्काउंट, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इस बुक की हम लोग विशेष सूची देख लेते हैं। तो ये विशेष सूची है, ये पार्ट वन की विशेष सूची आप देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट टू की वीडियो विशेष सूची देखते हैं। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अध्याय 12 परमाणु। अध्याय 13 नाभिक। अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। और अध्याय 15 संचार व्यवस्था। उसके बाद प्रशिष्ट उत्तर ग्रंथ सूची परिभाषिक शब्द वाली यानी हिंदी से इंग्लिश में सब चीज़ इसमें दी गई है। और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। फिर देख लेते हैं अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसमें आपको पहले लेसन की भूमिका दी गई है। उसके बाद इस टॉपिक्स का प्रकाश का कणिका मॉडल, इसमें आपको पूरा डिटेल दी गई है। उसके बाद गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन दिया गया है। उसके बाद चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पणों की फोकस दूरी इसमें डिटेल से दी गई है। अब इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। सभी चीज़ों को डेरिवेशन के रूप में आपको दी गई है। बहुत ही भैया डिटेलिन देख सकते हैं आप इसमें। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो नई अपडेटेड बुक आई है उसमें QR कोड भी दिया गया है, जिसे आप बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं। तो ये आप जाकर, यदि अब जाकर आप कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें QR कोड की व्यवस्था है, जिसमें हर लेसन की बहुविकल्पी क्वेश्चन भी प्राप्त कर पाएंगे। और बीच बीच में आपको कुछ प्रयोगों के, जैसे मान लीजिए ये प्रयोग दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ है उस चीज़ का फोटो प्राप्त करने के लिए कुछ वेबसाइट दी गई हैं जो कि नई किताब में मेंशन है। तो मैं इस पार्ट वन किताब में आपको दर्शाना बता दूं, जैसे इसमें दी गई QR कोड दी गई, तो यानी नई बुक में आप QR कोड भी प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये वेबसाइट दी गई है, तो इन वेबसाइटों से आप इनसे प्रयोगों के पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था पार्ट टू में भी है, लेकिन ये बुक थोड़ा इसमें व्यवस्था नहीं है। तो नई वाली बुकों में ये सब व्यवस्था आ चुकी है। तो यानी आप जो किताब लेंगे वो सब आप देख लीजिएगा कि आप एकदम लेटेस्ट बुक होनी चाहिए, यानी 2020 से 2021 वाली किताब ही होना चाहिए। तो उसमें ये सब दी गई है। तो ये सब आपको प्रयोग रूप में आपको बताया गया है, स्नेल का नियम, ये सब डिटेल आप देख सकते हैं। इन सब देख लीजिए, तो डेरिवेशन बीच बीच में उदाहरण। तो ये 12 का है, तो आप एग्जाम पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन उदाहरण से ही आते हैं, तो आप इन सभी उदाहरण को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आंकिक क्वेश्चन को भी हल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। आंकिक प्रश्न को थोड़ा इससे थोड़ा कम प्राथमिकता दीजिएगा, पहले उदाहरण वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको ये सारांश, लास्ट में सारांश मिलता है, जो कि आप इन सभी अध्याय का मेन कंक्लूजन इसमें इंक्लूड रहता है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद विचारणी विषय, उसके बाद आपको अभ्यास दिया गया है, पूरा अभ्यास इसमें लंबा चौड़ा 38 क्वेश्चन दी गई हैं, जिसमें कुछ आपको अतिरिक्त क्वेश्चन भी आते हैं। और फिर ये देख लीजिए अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी, ये इसी प्रकार से इन सब क्वेश्चनों
इन सभी विषय को टॉपिक्स को दी गई है। और इसके अंतिम कुछ विषय जान लेते हैं, इस संचार व्यवस्था खत्म, उसके बाद प्रशिष्ट आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सभी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करके दिखाई गई है। प्रशिष्ट गुणांक एग्जैक्ट जो भी निर्वात की प्रकाशशाल है, कुछ महत्वपूर्ण नियतांक है, अनुपयोगी नियतांक है, अब देख लीजिए सुषमा का यांत्रिकी तुलनांक, ये सभी मानक वायुमंडलीय दाब, ये सभी आपको यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लास्ट में दी गई उन सब चीज़ों में जाकर देख सकते हैं। अभ्यासों के उत्तर जो आप अभ्यास आपको दिए गए तो सभी के इसमें उत्तर दी गई है, कहीं कहीं आपको हिंट भी इसमें दी गई है, तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन करते हो तो आप कंफर्म होने के लिए उत्तरमाला का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको क्यों ऐसा की गई वो भी चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा इसमें इंक्लूड की गई है। उसके बाद आपके आते हैं ये पारिभाषिक शब्दावली, यानी कोई ऐसे अंतक विभव इसका नहीं जानते, तो कट ऑफ पोटेंशियल, ये सब इंग्लिश शब्द होते हैं जो आप इंग्लिश शब्द जानते रहते हैं लेकिन हिंदी उसका अच्छी प्रकार से अर्थ नहीं जानते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया, ये सब आप देख सकते हैं, सब सूचियाँ दी गई हैं। ये सी वी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री। तो ये रहा भौतिक विज्ञान पार्ट टू, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही ज़्यादातर वीडियो देखने के लिए 12, 11 या IIT पॉलिटेक्निक या फिर एक्स्ट्रा किताबों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।